कि तुमसे सवाल किया है उसने, अगर मुंह तोड़ जवाब दे देता तो क्या करती तुम? आप तो ऐसे ही कहेंगे, आप किसी के बेटे जो हैं, मैं कौन हूं? सिर्फ बहू जो पहले एक बेटे की निकाह में थी और फिर हमें दूसरे बेटे की निकाह में बगैर किसी चाहत के। मैंने तो नहीं कहा था आप लोगों से कि मेरे बेवा होने के बाद मुझे नौशेरवा की निकाह में दे दे। ये तो आपका और बाबा सही का फैसला था अम्मा। हाँ कश्माला, हमारा फैसला ही था और ये फैसला हमने तुम्हारे और बच्चों की भलाई के लिए किया था। ऐसी कैसी भलाई अम्मा सही, ये कैसी भलाई है? निकाह के दिन से लेकर आज तक वो अजनबियत के उसी मोड़ पर खड़े हुए जहां वो थे, और अब बसाई में उफ ना करती, कुछ ना कहती, चुप रहती। सौकन का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बसाई। अपने आप को संभालो कश्माला, इस बात को समझो, नौशेरवा मर्द है और मर्द दूसरी शादी कर सकता है। शायद उसने नेकी ही का काम किया है, एक मजबूर लड़की को उस दलदल से निकालकर अपना नाम देखकर उसे इज्जत दी है, उसे एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। ऐसे शौहर पर तो फख्र किया जाता है कश्माला। ऐसे कैसे फख्र करूं अम्मा सही, क्या कह रही हैं आप? वो मेरी तरफ सारी जिंदगी नजर उठा के ना देखते मुझे मंजूर था। मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहती अम्मा सही, लेकिन दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं होगी मुझे उनके साथ, किसी कीमत पर नहीं। अब तुम खुद गर्ज बन रही हो। तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा सारी जिंदगी वीरान दिल के साथ गुजार दे? पहले भी एक बार हमने तुम्हारी खातिर उसके दिल की कुर्बानी मांगी थी और उसने दे दी। आज इतने सालों के बाद उसका दिल फिर से किसी के लिए धड़क रहा है तो तुम उसके दिल की जमीन को अपनी आहों से बंजर करना चाहती हो? और मैं बस आई, मेरे दिल का क्या, मैं इस दिल का क्या करूं? मैं मेरी गुण की अब्बास आई, ये जुल्म है मेरे साथ। बस आई कुछ कर, मैं आपसे भीख मांग सकती हूँ अब्बास आई, मैं नौशर्मा को नहीं देख सकती उस लड़की के साथ, अब्बास आई नहीं देख सकती। आपके पैर पकड़ती हूँ, कुछ कीजिए, उस लड़की को निकाल दे अब्बा साहिब, प्लीज अब्बा साहिब, अब्बा साहिब। मैं आपके नौशेरवा गजनवी की बीवी हूं। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? मेरे रुतबे को जान के तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा तो अच्छे से हो ही गया होगा। दिल बहलाने के लिए लाई गई हो, बीवी या खानदानी बहू कहलाने के लायक नहीं हो। अगर ऐसा होता तो अम्मा साई और बाबा साई दोनों शरीक होते ना निकाह में। किसी ने कबूल नहीं किया तुम्हारा निकाह। मेरी जगह लेने की जो गुस्ताखी की है ना तुमने, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत जल्द निकाल फेंकूंगी तुम्हें नौशेरवान की जिंदगी से।
कर ली तुमने अपनी मनमानी, पढ़वा लिया निकाह उस लड़की से। दुआ को जुबान दी थी मैंने बाबा साई, अगर अपनी जुबान से फिरता तो उसके सामने छोटा पड़ जाता। कल की आई हुई इस लड़की के सामने हमारी इज्जत रखने की बजाय तुमने अपनी जुबान का पास रखा, तो फिर यहां क्या लेने आए? ऐसी बात नहीं है, आपकी इज्जत हमेशा से मेरे दिल में है, अगर ऐसा ना होता तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो दुआ की जगह फरा होती और कश्मीर इस हवेली में कहीं नजर ना आती। ओह, एहसान जताने आयो अपनी कुर्बानी का? नहीं बाबा साईं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मुझे आपके फैसले के खिलाफ जाना होता तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था। कर तो अब भी चुके हो, पहले कर लेते, कम से कम फराह खानदानी तो थी ना। बस कर दे साईं जी, दुआ भी खानदानी है, अगर उसे एक हादसे ने उसे मारना बचाया होता है तो आज आप उसके लिए ऐसा कुछ ना कहते। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि साईं जी क्या कर रहे हैं, अब वो लड़की हमारी बहू है। बाबा साहब, मैं भले ही आप लोगों से दूर रहता हूं लेकिन मेरी रगों में आपका ही खून है। क्या लगता है आपको, आपका खून क्या कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे दूसरे लोग आपके खानदान के हसब नसब पे उंगली उठाएं? बाबा साहब, आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा ही तो था तुम कश्माला के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। क्या किया फिर? मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं बाबा साहब। जवार भाई का रुतबा मेरे दिल में क्या है ये मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, इसीलिए उनके बाद उनकी बेवा और बच्चों को इस हवेली में रखने की आपने जब ख्वाहिश जाहिर की, भाई की आखिरी निशानी समझ के, तो मैंने इनकार नहीं किया। और अपने दिल पर कब्र बना ली। लेकिन अब यकीन जाने इतने साल गुजरने के बाद भी आज मैं उसके असर से नहीं निकल पाया हूं, इसलिए निकाह की शरई हैसियत से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन कुछ रुतबे दिल तय करता है बाबा साईं। आप प्लीज कश्माला से उनकी रजामंदी जानकर उनके लिए किसी और का इंतखाब कर ले। होश में तो हो तुम कि क्या कह रहे हो? अपनी बीवी को किसी और शख्स के साथ ब्याहने की बात कर रहे हो? होश में हूं तभी ये बात कर रहा हूं बाबा साईं। इस रिश्ते से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। कश्माला की महरूमियां उसे मुझसे इंतकाम लेने की तरफ रागिब कर रही है। क्या इंतकाम लिया उस बेचारी ने? वो तुम मासूम सी है, क्यों उसमें इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कश्माला ने करवाया था।